Hi everyone, welcome back to my channel Study with Aditi. So in this video we are going to discuss about Marie Kornikoff's rule. So this reaction or this rule is so important for board examinations. So please like, share and subscribe my channel. So let's start. Marie Kornikoff's rule to explain kata hai, that is when an asymmetric reagent, ठीक है, is added to a symmetrical alkene. जब भी हमारे पास addition होगा किस चीज़ का, asymmetric reagent का, is added to asymmetric alkene, ठीक है, the negative part of reagent, जो negative part होगा किसी भी reagent का, वो attach कर जाएगा carbon which has less number of hydrogen in asymmetric alkene, ठीक है. तो मतलब जो भी हमारे पास नेगेटिव पार्ट रहेगा रिएजेंट का, वो अटैच कर जाएगा किस कार्बन के साथ, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे. तो ये रिएक्शंस आपको याद करने हैं, इसके लिए एक बेसिक सी ट्रिक्स है जो मैं आपको बताऊंगी. तो हमें सबसे पहले कौन लेनी है, एसिमेट्रिक एल्कीन लेनी है. एल्कीन हम ले लेंगे, ठीक है. अब इसमें हमारे पास सबसे कम किसके पास है हाइड्रोजन, CH के पास. तो हमारा जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन के पास, ठीक है. जैसे ही इसने इस कार्बन के पास अटैक किया, ये डबल बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया. तो हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी. तो जो ट्रिक है मार्क कॉर्निकॉफ रूल को करने की, दैट इज़ जहाँ है कम वहाँ जाएंगे हम, मतलब जहाँ पे हाइड्रोजन कम है वहीं पे जाएगा कौन, नेगेटिव पार्ट. तो कौन है कम और इस एल्कीन में कौन कम है, दैट इज़ CH, ठीक है. तो H2O का H पॉजिटिव जो है वो बाहर निकल जाएगा. OH जो नेगेटिव पार्ट है वो कहाँ, किस कार्बन पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे जिसके पास हाइड्रोजन कम है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट मार्क कॉर्निकॉफ रूल्स, जो कि काफ़ी सिंपल है, लेकिन एक ट्रिक के थ्रू जहाँ है कम वहाँ जाएंगे हम. तो कौन है कम, इस ट्रिक के थ्रू ही आप इसकी थ्योरी पोर्शन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड रिएक्शंस को भी इजीली लर्न कर सकते हैं. जस्ट लाइक एसिमेट्रिक एल्कीन को लेंगे और साथ में रिएजेंट लेंगे, रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट किस पे रिएक्ट अटैक करेगा उस कार्बन के ऊपर जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे, ठीक है, और वहीं पर अटैक करवा के हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी. थैंक यू.